वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुम क्या कर रहे हो इधर? डॉन स्क्वायर को लेकर डॉक्टर फ्रांसिस के ठिकाने को सर्च करो। यू मे गो नाउ। मैं तुम्हें बोल रहा हूं, कम ऑन गो। सॉरी सर, आई डिडंट गेट यू। उधर की पूरी सिक्योरिटी को ऑलरेडी हाईजैक कर दिया सर। तुम क्या बोल रहे हो? बिकॉज यूएस से आया हुआ डॉक्टर फ्रांसिस वापस आना नहीं चाहिए, इसलिए सर वी आर हेल्पलेस सर। Bastard! भारत की मिट्टी में जन्म लेकर महाराष्ट्र की पुलिस में काम करने वाला हूं मैं। मुझे मेरे डिपार्टमेंट की इज्जत ही बड़ी चीज है, इसलिए मैं जान देने के लिए तैयार हूं। मैं राणा। ने जन्म दिया उसी माँ का गला दबा रहे हो, जन्म भूमि से गद्दारी कर रहे हो। ए नमकहराम कुत्तों, हिंदुस्तान पुलिस में फर्ज निभाने वाला सिर्फ मैं ही एक नहीं हूँ। भारत माँ की इज्जत बचाने के लिए इस पुलिस डिपार्टमेंट में हिम्मत वाले कई मर्द आते रहेंगे। ये पुलिस डिपार्टमेंट एक समुंदर जैसा है। आई हैव वॉर इन इंडिया, आई लिव फॉर इंडिया, आई विल डाई फॉर इंडिया, आई सैल्यूट फॉर इंडिया, इंडिया इंडिया इंडिया।
चीफ मिनिस्टर, योर मुंबई सिटी लुक्स वेरी नाइस. थैंक यू जेंटलमैन. आई थिंक योर एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी वेरी नाइस. थैंक यू वंस अगेन मिस्टर फ्रांसिस. Mr. Francis, we will first go to Governor House. Okay, I don't mind. मुख्यमंत्री जी, गवर्नर के घर जाना, शहर घूमना, ये सब काम हम कभी भी कर सकते हैं. GT मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में ऑन द वे पहले उस प्रोग्राम में भाग लेकर बाद में गवर्नर के घर जा सकते हैं ना? आप क्या कह रहे हैं, इसे गवर्नर के घर ले जाने से पहले कहीं और ले जाया जा सकता है क्या? What's happening? Nothing. Look, Mr. Francis, in GT Medical College, they are celebrating the Silver Jubilee today. Three of the students receiving the rocks, and they wish to receive their certificates from you, for which they have organized a function today. Mr. Francis, it is very big medical college in our state. Being a doctor, I would like to go there fast. Excuse me sir, Dr. Francis के भारत प्रवास पर आपकी क्या राय है? No, not no, sir, okay? Sir! Sir, ऑडिटोरियम में माइक अरेंजमेंट नहीं हुआ है. कोई बात नहीं, उन्हें अर्जेंट जाना है. मिस्टर जगन्नाथ, एवरीथिंग इज रेडी? सर, एक्चुअली में शाम का प्रोग्राम था. आपके अचानक प्रोग्राम फिक्स करने से प्रोग्राम गड़बड़ हो गया सर. कोई बात नहीं सर, आई विल मैनेज. ओके. My heartily welcome to Dr. Francis. इस कॉलेज में सारी दुनिया के मशहूर एवं सारी दुनिया में सम्मानित डॉक्टर फ्रांसिस को और हम सभी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह सचिव जी को इस सभा में आने के लिए हार्दिक धन्यवाद. अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह सचिव जी से दो शब्द बोलने का आग्रह करता हूँ. प्रिय विद्यार्थीगण और उपस्थित अध्यापकों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं. मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि इस बार IMS में एग्जामिनेशन के बाद हमारे राज्य को बहुत सारे रैंक्स मिले हैं. विशेषकर इस कॉलेज के विद्यार्थियों ने 3 रैंक हासिल किया है. वैद्यकीय क्षेत्र में ये बहुत ही महान महान व्यक्ति हैं, डॉक्टर फ्रांसिस. थैंक यू. इनके संशोधन से मानव जाति का कल्याण हुआ है. ऐसे महान व्यक्ति हमारे भारत देश में, ऐसे महान व्यक्ति हमारे राज्य में, और मेरे लिए गर्व की बात है. हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे महाराष्ट्र राज्य के गौरव मर्यादा और हमारी पुलिस डिपार्टमेंट पर उनकी सुरक्षा का भार सौंपा है. इन्हें सुरक्षित वापस भेजना भी हम सबकी जिम्मेदारी है. इसलिए आप सब लोगों से ये कार्यक्रम समाप्त करके प्रस्थान करने का विनती करता हूं. नमस्कार. इस राज्य का गृह मंत्री होने के नाते मैं सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों का और इस कॉलेज के विद्यार्थियों का और विशेषकर मुख्य रूप से इस कॉलेज के 3 रैंक लेने वाले विद्यार्थियों का मेरा मन पूर्वक धन्यवाद. आगे मैं डॉक्टर फ्रांसिस से विनती करता हूं वो इस सभा को संबोधित करते हुए कुछ कहें. अब मैं भाषण समाप्त करता हूं. नमस्कार. इंडिया इज ग्रेट. आई लव इंडियन पीपल. आई लव इंडियन कल्चर. इंडिया इज अ ब्यूटिफुल कंट्री. And I am happy that even Indian medical students are competing with other countries. अब मैं इस कॉलेज के रैंक पाए हुए विद्यार्थियों से स्टेज पर आने की विनती करता हूं. स्टेट सेकंड रैंक विनय. थैंक यू सर.
वेलकम। थैंक यू सर। किशन नेशनल थर्ड रैंक। पूजा स्टेट फोर्थ रैंक। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम सर। टाइम इज ओवर, शैल वी मूव सर? थैंक यू सर। बाय सर। प्लीज। गृह मंत्री जी आप आगे बैठिए। मुख्यमंत्री जी, वो क्या है कि मैं अच्छी तरह से अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता, आपकी सोच में पड़ गए। हमारे आईएएस ऑफिसर गोपालन है ना, गोपाल बहुत अच्छा अंग्रेजी जानता है। बैठिए गोपाल जी। अब बैठिए गोपाल जी। अच्छा बताइए। हाँ तो मुख्यमंत्री जी, अगला कार्यक्रम क्या है? नाउ वी हैव टू गो टू द गवर्नर हाउस। मिस्टर कमिश्नर। यस सर। हैव द रोड्स बीन क्लियर्ड? एवरीथिंग इज क्लियर सर, लेट्स मूव सर। ओके। यात्रा पर आए हुए मशहूर डॉक्टर फ्रांसिस का आज बम विस्फोट में करुण अंत हो गया है। इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री जी ने तीव्र दुख प्रकट किया है। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर भरोसा रखकर डॉक्टर फ्रांसिस को महाराष्ट्र प्रवास पर भेजने के हमारे निर्णय से महाराष्ट्र सरकार पर रखा हुआ हमारा यकीन झूठा साबित हो गया है। और 20 दिनों के अंदर इस घटना से संबंधित व्यक्तियों का पता लगाने में अगर राज्य सरकार विफल रही तो मुख्यमंत्री को इस घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे इस्तीफा मांगने के लिए गवर्नर का देखा ना आप लोगों ने किसको जिम्मेदार ठहराया है? सुना आपने? 20 दिन में मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा उनको? वो किलर्स कौन है उसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा हूँ, ये काम किया है ऐसा इल्जाम लगा सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, वैसे ही विरोधी पक्ष ब्लेम कर सकता है या नहीं, मैं क्या करूं? अब आप ही लोग बताइए, बोलिए। तीन तरह से मुख्यमंत्री का कार्यभार निर्वहन कर रहे हैं आप। ये हत्या किसने की, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, इसका पता लगाना आपकी जिम्मेदारी है ना साहब? मैं सब जानता हूं, परिस्थिति अब बहुत बिगड़ चुकी है। हम इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए भी आप पर लगाए गए आरोपों को सहन करके हम खामोश बैठे हैं, और आप लोग जो हादसा नहीं हुआ उसको खबर बना ले ऐसा प्रेस को सुझाव दे रहे हैं। इस बात को किसी और से कहना, हमको मत समझाओ, हम ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, हमें चाहिए हमारे राष्ट्र की मर्यादा। मुख्यमंत्री जी, इसका क्या जवाब देंगे आप? हम पूरी कोशिश करके 20 दिन के अंदर इसके बारे में पता लगाएंगे। मिस्टर कमिश्नर। ये सर। महाराष्ट्र राज्य पुलिस डिपार्टमेंट पर पूरे राष्ट्र को अभिमान है, इस जिम्मेदारी को मैं आपको सौंपना चाहता हूं। विद इन 20 डेज में कुछ भी हो जाए सर, इस केस को हम हर हालत में सॉल्व करेंगे, आप हिम्मत से निर्णय लीजिए। गृह मंत्री जी, इस पर आपकी क्या राय है? सर, वैसे भी आपको 20 तारीख तक की मोहलत दी गई है, अगर इस बीच कुछ गड़बड़ हुई तो किसी और को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएंगे। लेकिन सर, पार्टी का अधिकार खोना नहीं चाहिए। आपकी बात का क्या मतलब? आप बुरा ना माने तो मेरी एक सलाह है। वो क्या, बताइए। सर, इस संकट की अवस्था में हमारा लीगल एडवाइजर हो सकता है एक ही आदमी। तीन बार एमएलए होने के बाद भी मंत्री पद से दूर रहकर समाज सेवा करने वाले, पार्टी के लिए मेहनत करने वाले, वो एक ही हैं।
नमस्कार। गुरुजी, अगर आप इस राज्य के मुख्यमंत्री होते तो राज्य में जो आफत आई है वो नहीं आती। अभी वक्त नहीं गया है, अगर आप चाहें तो उसे उसकी सीट से उतार कर हम सब मिलकर आपको सीट पर बिठा देंगे। विरोधी पक्ष भी आप जैसा नहीं सोचता है। हमारे बनाए पक्ष को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे भी आप कब तक असेंबली मेंबर रहेंगे? धर्मराज जी, मैं मंत्री बनकर समाज सेवा करूं ऐसा कुछ नहीं है। जो भी काम करना है उसे निष्ठा से किया तो बहुत है। आप जैसे महान नेता से ही हमारी पार्टी ने बिना हारे 3 बार जीतने का रिकॉर्ड किया है। हमारे देश में 1 मिनट में 4 शिशुओं का जन्म होता है। हर एक बच्चा 84 रुपए 40 पैसे कर्ज के साथ गरीबी में जन्म लेता है। गरीबों की आवाजें स्वतंत्रता के 50 साल बाद भी खत्म नहीं हुई है, और हमारे मंत्री सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, उन्हें गरीबों की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। गुरुजी, प्रधानमंत्री जी को हमारे राज्य पर जो भरोसा था उसके खो जाने की स्थिति आ चुकी है। यूएसए डॉक्टर फ्रांसिस की हत्या से हमारे सिर श्रम से झुक जाने की नौबत आ चुकी है। जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी वाला पद देना चाहिए। मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करके हमारे राज्य के गौरव को बचा लीजिए, बस इतनी ही विनती है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आपको मुख्यमंत्री बनना है, हमारे राज्य पर पड़ी इस मुसीबत को आप दूर कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री मतभेद वाले भी नहीं है, विरोधी पार्टी वाले भी नहीं है, हमारी ही पार्टी के हैं। और ऐसे में हमारे ही पक्ष में मतभेद पैदा करने वाले और मुझे मुख्यमंत्री बनने की सलाह देने वाले लोग मेरे चौकट पर कदम रखने नहीं चाहिए। गुरुजी, हम सब आपके साथ हैं और हमारा पक्ष आपके बलबूते पर ही खड़ा है, हमारा पक्ष आपके दम पर ही खड़ा है। जनता को भी आपके ऊपर विश्वास है। देखिए, अगर आपने मुख्यमंत्री पद स्वीकार नहीं किया तो हम सब इस्तीफा दे देंगे। हाँ, कहिए क्या राय है आप लोगों की? हम भी इस्तीफा देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। उसके लिए तो और भी 20 दिन की मोहलत है ना। मोहलत खत्म होने से पहले हम कुछ सोचेंगे। हेलो डैडी। प्रीति, व्हाट इज दिस? क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? पापा, मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगी। पापा, क्यों बेटी, क्या हुआ बताओ? कॉलेज हॉस्टल में एक स्टूडेंट आया हुआ है। वो स्टूडेंट है या गुंडा, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है डैडी। तुम क्या कहना चाहती हो बेटी? यस डैडी, सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर्स को, यहाँ तक के प्रिंसिपल को भी कितना डरा के रखा है। What do you mean? मेरे अधिकार में गुंडागर्दी क्या है? प्रीति, उससे तुम्हें कोई तकलीफ हुई क्या? हाँ, कल कॉलेज में। ऐसा क्या किया उसने? आखिर में कौन है वो आदमी? हेलो, कैन यू गिव मी लाइटर? यू इडियट, ये मेडिकल हॉस्टल है। सिगरेट रखने वाला ये लोफर्स कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज है। आई एम सॉरी। ए कन्नू। गुड मॉर्निंग अमित। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? स्टूडेंट्स को पोस्टमार्टम की कोचिंग क्लास देने जा रहा हूँ। ए कन्नू, तुमने कितने भी 6 इंच 3 इंच काटना सिखाया हो तो भी तुम्हें आखिर में 6 फुट 3 फुट में जाना है। क्यों सर, क्यों इसे डरते हो? After all, who is he? ये कोई कॉलेज का डॉन है क्या? What, huh? Who are you, I say? Hey!
जाने जाना संग मेरे जिंदगी का प्यार में तू मजा ले ले जाने जाना संग मेरे जिंदगी का प्यार में तू मजा ले ले तू झूम ले तू नाच ले तू झूम ले तू नाच ले डांस 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 बेबी डांस जाने जाना संग मेरे जिंदगी का प्यार में तू मजा ले ले जाने जाना संग मेरे जिंदगी का प्यार में तू मजा ले ले तू झूम ले तू नाच ले तू झूम ले तू नाच ले ओ डांस 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 बेबी डांस feeling the fire with a burning desire work that body, let's party, put the boogie in your body, so hard, so we can get started, I'm in. ओ तेरी आंखें तेरी बातें तेरे रूप में है जादू तेरे अंगों तेरे सांसों में बसी है खुशबू जीवन ये चार दिन की कहानी कहानी जी भर के ऐश करो होती है दो दिन की जवानी जवानी जी भर के कैश करो ओ दिल नशी ओ जान नशी ये बात जान ले तू तू आशिकी तू बंदगी है मेरी मान ले तू तू झूम ले तू नाच ले तू झूम ले तू नाच ले ओ डांस 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 बेबी डांस जाने जाना संग मेरे जिंदगी का प्यार में तू मजा ले ले जाने जाना संग मेरे जिंदगी का प्यार में तू मजा ले ले तू झूम ले तू नाच ले तू झूम ले तू नाच ले ओ डांस 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 बेबी इस दिल पे धड़कन पे नहीं मेरा है काबू तू दुनिया तू सपना तू ही मेरी आरज़ू आए हैं दिन प्यार के देखो देखो इजहार खुल के करो हे देखो प्यार से दिल दे के दीदार तुम भी करो ओ दीवानी तू अनजानी आ कर ले प्यार तू पासा जा दूर ना जाना कर इनकार तू तू झूम ले तू नाच ले तू झूम ले तू नाच ले ओ डांस 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 बेबी डांस जाने जाना संग मेरे जिंदगी का प्यार में तू मजा ले ले जाने जाना संग मेरे जिंदगी का प्यार में तू मजा ले ले तू झूम ले तू नाच ले तू झूम ले तू नाच ले ओ डांस 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 बेबी डांस जितना बोले उतना ही करना होशियारी मत दिखाना देखो वो बॉडी लावारिस लाश है तुम क्यों उसका हिसाब रखते हो पोस्टमार्टम रजिस्टर में मैंने जैसा बताया वैसा मेंशन करो जाओ जाओ ना हेलो मिस्टर जगन्नाथ अमित तुम कब आए अंदर बॉडी हाईजेक हुई बोले तब आया कौन सी बॉडी क्या बोल रहे हो तुम सिर्फ बॉडी के हाईजेक का मुझे पता चला टेंशन मत लो मरने से पहले ही फोजरी करके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो तैयार कर लेता है ये भी मुझे मालूम है इधर से किडनी आंखें
मनुष्य के कॉस्टली स्पेयर पार्ट्स सेल करता है तू। ये भी मालूम है ना, किसी और की सीट कैंसल करके ये सीट मुझे दिया है, किसी को नहीं बताऊंगा मैं, विश्वासघात नहीं करूंगा। अब मुझसे क्या चाहते हो तुम? मुझे फिलहाल पॉकेट मनी सिर्फ 50,000 रुपया दे दो मुझे। अमित वो सब नहीं होगा, क्या मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? ऐसे ब्लैकमेल करने वालों को मैं अब तक तुमने कितने आदमियों को खत्म किया है मिस्टर जगन्नाथ? इस अमित के पास तुम्हारा खेल नहीं चलेगा। तुमने कई बैंकों में कितना कैश रखा है मैं अच्छी तरह जानता हूं। अमित हाँ। अगर आपको मुझसे टेंशन नहीं चाहिए तो आपको मेरी देखभाल करनी पड़ेगी, करना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। मिस्टर जगन्नाथ शाम के अंदर आज 50,000 रुपए पहुंचा देंगे। ओके बाय। दे देंगे, जरूर दे देंगे। चेस। हाय, आज लाज बहुत कम है ना, बहुत कम है ना। नो प्रॉब्लम, मिनी स्मशान समझे हो तो हो गया। हेलो ब्रदर, सॉरी आई एम सॉरी, इधर कौन सिस्टर है कौन ब्रदर पता ही नहीं चलता। नो प्रॉब्लम, हेड्स ऑफ टू यू फ्रेंड्स, यू आर ग्रेट। तुम्हें काट के औरों की जान बचाने की विधि को डॉक्टर सिखाते हैं, तुमसे कईयों की जान बचती है। सो यू आर ग्रेट, ग्रेट। कौन है बे तू, यहाँ क्या कर रहा है? अखिलांड कोटि ब्रह्मांड, तीन आंखों वाले त्रिनेत्रधारी ईश्वर का स्थल है शमशान। लेकिन ये अमित की मनपसंद जगह है, इन द डेड बॉडी सेंटर में। hey! वो सब छोड़ो गुरु, तुम सब कॉलेज के डॉक्टर्स हो। आई एम सॉरी, ट्रेनिंग डॉक्टर्स। चार्ट में 10 लाशें लिखी थी, लेकिन इधर है ओनली 5 बॉडीज। मतलब बॉडियों का हाईजैक है क्या? तू सीबीआई ऑफिसर है या सिक्योरिटी ऑफिसर है? हाँ? वो बताया ना गुरु, शमशान के टोम हरिश्चंद्र। ए बोला ना, इधर से निकाल चल। नहीं गया तो क्या कर लेगा रे? पिया हुआ बियर डाउन डाउन। तुम सब मेरे साथ फाइट फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, बट वन कंडीशन, सब लोग 1 by 1 करके आओगे। नो 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 नो, अगर सब लोग साथ आओगे तो नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी।
मुख्यमंत्री जी, जीटी मेडिकल कॉलेज में एक गुंडे ने घुसकर वहां बहुत तोड़फोड़ की है। इसके पीछे वहां के प्रिंसिपल का भी हाथ है, ऐसा जनता कहती है। मैं एक गृह मंत्री होने के नाते जनता को क्या जवाब दूं? उस कॉलेज में फोन लगाओ। हेलो, मैं मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। बोलिए सर। सुना है तुम्हारे कॉलेज में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हुई है, इसके बारे में आपने हमें तुरंत इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर वो सुना है आप उसे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सर वो एक नया स्टूडेंट है। विद इन 24 आवर्स उसके डिटेल्स मेरे टेबल पर होने चाहिए। अच्छा सर, भेज दूंगा। प्रिंसिपल सर, आप पर यकीन करके इस कॉलेज के मेडिकल सीट के लिए दूसरे स्टेट के स्टूडेंट से 1 करोड़ रुपया कलेक्ट करके दिया है हमने। हाय बेबी, हाउ आर यू? कल रात उन स्टूडेंट ने पैसा वापस करो नहीं तो सीट दिलाओ ऐसा चिल्ला रहे थे। आज अगर आप इसे डिसाइड नहीं किया तो क्या कर लोगे रे? तुम लोग मुख्यमंत्री को कंप्लेन करोगे? इतना ही अमित, डोंट वरी सर, ऐसे चिल्लरों से आप क्यों डरते? अमित बोला तो क्या कर लेगा रे तू? इस कॉलेज में हुए दुर्व्यवहार का हम लोग मुख्यमंत्री जी से कंप्लेंट कर देंगे। कंप्लेंट करेगा? तुम कुछ भी करो, सुबह मुख्यमंत्री जी से हम लोग कंप्लेंट करेंगे। अमित, अमित, नहीं नहीं ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। अमित, ये तुमने क्या किया? तुमने ही इसका खून किया है। तुम चाहते हो ऐसा मैं ना बोलूं, इसलिए तुम्हारे बैंक के लॉकर की चाबी मुझे दे दो। हाँ, और 2-3 दिनों में मैं इस शहर को छोड़कर दिल्ली चला जाऊंगा। यस। मैं क्या करूं? मैं क्यों लॉकर की चाबी दूं? मैं नहीं दूंगा। अगर तुमने ना कहा तो ये लड़का मुख्यमंत्री को जो बताना चाहता था उसे मैं जाकर बताऊंगा। आफ्टर ऑल मैंने तुमसे मांगा क्या? जस्ट 1 डे अ लॉकर चाबी। कम ऑन, डोंट वेस्ट माई टाइम। पुलिस यहाँ पर आ पहुंचे इससे पहले मैं भाग जाऊं। इल्जाम से अगर तुम्हें बचना है तो मेरी बात मान लो। गिव मी द की। मिस्टर जगन्नाथ, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? इंसान के स्पेयर पार्ट्स को बेचने वाले, आफ्टर ऑल मर्डर बड़ी बात नहीं है। टेक इट इजी, टेक इट इजी, रिलैक्स, बाय, गुड बाय। पहले से ही डॉक्टर फ्रांसिस को बॉम्बे ब्लास्ट केस को सॉल्व करना है। ऊपर से टीटी मेडिकल कॉलेज में एक मर्डर हो गया है, मैं क्या करूं? इसलिए मैंने ये सोचा है सीधे प्रधानमंत्री से मिलकर अपना इस्तीफा दे देता हूँ। तुम इस्तीफा और पद के सिवा कुछ और नहीं जानते क्या? हाँ रामदेव, और मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे भी तुमने दिल्ली से सूर्या आईपीएस को बुलाया है, उनके आने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उस सूर्या आईपीएस को खबर करके 1 हफ्ता हो गया है। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? जब तुमने खबर दी है तो पहुंच ही जाएंगे। अभी आज सुबह सूर्या आईपीएस इधर पहुंचने वाला है, खबर मिली है। अरे कहाँ गया? ढूंढ साले को। पब्लिक में पुलिस पर हाथ उठाया तो उसको साली चढ़ भी चढ़ गई क्या? ए, कहाँ तू? कम है तो बाहर निकल। भाग कर क्यों आया साले? हमसे डर गया क्या? डर किसका नाम है यह मैं आज तक नहीं जानता। अननेसेसरी लोगों को तकलीफ ना हो इसके लिए तुम्हें यहां पर लेकर आया हूं। माइंड इट। We'll be right back.
सर, इस पवित्र खाकी वर्दी को पहनने वाली ईमानदारी से ड्यूटी निभाने वाली पुलिस पर गुंडे हमला करने लगे हैं। समझ में नहीं आता कि हमारे राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट को आखिर हो क्या गया। कुछ भी हो, ड्यूटी को रिपोर्ट किए बिना किसी को मारकर अरेस्ट करना बहुत गलत है। बिना मेरी परमिशन के किसी को सस्पेंड करना या एक्शन लेना मना है। ऐसा था तो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया ही क्यों? मैंने तुम्हें इधर नहीं बुलाया। टीटी कॉलेज में हुए मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस शहर के माफिया को कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है। ये सोचकर हमें इन्फॉर्म किए बिना ही मुख्यमंत्री जी ने तुम्हें बुलाया होगा। बट वन थिंग, हमें ओवरटेक करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर सर? मिस्टर सूर्या, सोचा था आप मुझसे मुलाकात करेंगे, लेकिन ड्यूटी फर्स्ट सोचने वाले सीनियर ऑफिसर को पहले कभी नहीं देखा, इसलिए तुमसे मिलने में खुद चला आया। थैंक यू वेरी मच सर, बट आई एम सॉरी सर, आई वॉन्ट टू गो बैक। वॉट, क्या कह रहे हो? क्या हुआ सूर्या? सर, पब्लिक में न्यूसेंस करके पुलिस ऑफिसर्स पर हाथ उठाने वाले चार क्रिमिनल्स को मैंने अरेस्ट किया था और मेरे पहुंचने से पहले उन्हें छोड़ दिया गया। ऐसे में मेरे आगे के ऑपरेशंस में हमारा डिपार्टमेंट पूरा सहयोग करेगा, इसकी क्या गारंटी है सर? मिस्टर कमिश्नर, मैं ये ऑर्डर देता हूँ, सूर्या किसी पर सस्पेक्ट करके यदि उसे अरेस्ट करता है, उसके नोटिस के बिना, उसकी परमिशन के बिना तुम रिलीज नहीं करोगे। लेट इट बी एनीबॉडी। आर यू हैप्पी मिस्टर सूर्या? थैंक यू सर। गुड, वो फाइल दो। इस फाइल में वो टीटी मेडिकल कॉलेज में हुए खून के सब डिटेल्स हैं। इस कॉलेज के फंक्शन में यूएसए के डॉक्टर फ्रांसिस भी आए थे। अब इस कॉलेज में घट रही घटनाओं की बड़ा इशू बन चुकी है। यू फर्स्ट गो थ्रू दिस फाइल। ऐसे ही इस कॉलेज में स्टूडेंट पे हुए मर्डर का इशू बना के हमारे राज्य में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उन सभी ने स्ट्राइक की है। आपको पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आई होप यू डू इट एज फॉर एज पॉसिबल। आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसे निभाने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो, जगन्नाथ हियर। क्या बोल रहे हो? दिल्ली से आईपीएस सूर्या बॉम्बे आ रहा है, मेरे कॉलेज में हुए मर्डर को इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्या? सूर्या आईपीएस इधर आ गया तो खत्म हो जाएगा सब गुंडों का खेल। बंद करो ये बकवास, मेरी टेंशन मुझे है। सर सुनिए, एक अच्छी एडवाइस देता हूँ मैं। वो आ रहा है हमारे कॉलेज में हुई घटना का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, समझ गए आप? आप खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर ये जो खून हुआ है उसका कंप्लेन आप कर दीजिए सर। नहीं तो YPS कॉलेज के अंदर आ गया तो आपके पुराने काले कारनामे का उजागर कर देगा सर। ये ठीक बोल रहा है, मेरा खुद जाके IPS सूर्या से मिलना ही बेहतर होगा। करेक्ट। यस सर। ओके सर, वन मिनट सर। नमस्ते साहब। ओह, टीटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, क्या बात है इतनी दूर? आपके साहब IPS सूर्या जी को सभी स्टेशनों पर ढूंढा, कहीं भी नहीं मिले। क्या सोचते हो, खून करके बच जाओगे क्या, वो भी IPS सूर्या से? अरे नहीं नहीं, सच बोल रहा हूँ, कसम खा के कहता हूँ ये खून मैंने नहीं किया। तो फिर किसने किया है? बताता हूँ सर, ये खून किसने किया है ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। हाई सोसाइटी से आए हुए स्टूडेंट अमित ने किया है। कहाँ होगा वो? इस समय वो हॉस्टल के जिम में मिलेगा। अपने आप मेरे साथ चलोगे या? हाँ? नहीं तो क्या करोगे? हाँ?
रघुराम साहब आपका बेटा ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। ऐसे पिता का ऐसा बेटा, आपने कितने बुरे लोग को अच्छा बना डाला है। आप जैसे नेक आदमी का ऐसा बेटा। क्यों मुख्यमंत्री जी, इसके बारे में आप कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? सब कुछ आप ही बोल रहे हैं ना, आगे मैं क्या बात करूं? आगे इससे क्या होगा, इसकी जांच पड़ताल करेंगे। अब जांच पड़ताल से कुछ फायदा नहीं है, वो एक गुंडा और खूनी है, ये बात कंफर्म हो चुकी है। उसे जेल भेजने के बजाय इधर क्यों लाया जा रहा है? उस गुंडे के बारे में अब तक जितने दाऊद से क्लेरिफाई करना है, इसलिए आईपीएस सूर्या को गुंडे को लाने के लिए आदेश दिया हूँ। क्या मंत्री जी, पब्लिक में पुलिसों को कुत्तों की तरह पीटा जा रहा है? उन्हें खाकी वर्दी की ताकत का अंदाजा नहीं है क्या? पुलिस के बूट की ताकत लगता है उसने नहीं देखा है। उसे उल्टा लटका के पुलिस बेल्ट से मारे तो जिंदगी में वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। न जाने कितनी बार उसने पुलिस की लाठी की मार खाई होगी। रघुराम जी, आपको पता है पुलिस आपके बेटे को कैसे मार के ले जाएगी? ऐसे गुंडे को पुलिस अपनी हिरासत में लेगी तो कोई गलत नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, वेलकम मिस्टर यशवंत, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं क्या? वाकई वो हमारे राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट का एक हीरा है। मिस्टर जगन्नाथ, एक पुलिस चाहे तो वो एक गुंडा बन सकती है, लेकिन एक गुंडा पुलिस नहीं बन सकता। सो आफ्टर ऑल कॉलेज के वॉचमैन ने शिवाजी नगर में खरीदे हुए बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स और बैंक बैलेंस इस फाइल में है। विदेश को आप भेज रहे थे बोगस डॉक्टर सर्टिफिकेट, मरने से पहले ही फोर्जरी किया हुआ पोस्टमार्टम पेपर्स इस फाइल में है। मिस्टर जगन्नाथ, यू कांट चीट द महाराष्ट्र पुलिस। आपके विदेश में रखे हुए बैंक बैलेंस और पासबुक भी इस फाइल में है। यस मिस्टर जगन्नाथ, यूएस से डॉक्टर फ्रांसिस के ब्लास्ट के पिछले दिन तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए आई हुई बॉडी इस कॉलेज से लापता हुई, एम आर राइट? सूर्या के महाराष्ट्र आने से पहले यही मेरा ऑपरेशन था, इसलिए मुझे एक गुंडे जैसा एक्ट करना पड़ा। आई एम सॉरी सर। इट्स ऑल राइट, यू कैरी ऑन। सर, डॉक्टर फ्रांसिस के खून में मिस्टर जगन्नाथ का हाथ होने का शक है, सो इसको सही जगह पर ले जाकर मुंह खुलवाएं तो आगे पीछे रहने वाले लिंक्स बाहर आ जाएंगी। इफ यू गिव मी परमिशन, आई विल टेक हिम सर। डेफिनेटली, गो अहेड। थैंक यू सर। चलो। संध्या, संध्या, संध्या बेटी, देखो इस बूढ़ी दादी माँ को तुम इतना क्यों सता रही हो? बेटी, तेरे लिए मूंगफली लाकर रखी हूँ। बेटी, 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 बेटी कहाँ गई? इस बूढ़ी दादी माँ को इतना, अरे रे सूर्या, तेरी बेटी दिखाई नहीं दे रही है। इस सब की वजह तुम्हारी बहू है।
आईपीएस सूर्या बोल रहा हूँ सर। सर जितनी जल्दी हो सके हमारे घर आइए प्लीज। ओके संजना, ए संजना जल्दी बाहर आओ। ये क्या आराम से बैठी मेहंदी लगा रही हो? संध्या को संभालने की जिम्मेदारी क्या तुम्हारी नहीं है? क्या हो गया? तुम्हें पता नहीं है कि क्या हुआ है? कुछ भी नहीं है, पहले बाहर जाके देख नहीं सकते थे क्या? एक थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें। जाइए जाइए ना, आके देखता हूँ तुम्हें। आ करो अब मुझे दो। शैतान कहीं की। दादी मेरी मूंगफली मत खाओ। लेकिन मेरी मूंगफली तो सब ले ली तुमने। माँ, एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर की माँ होते हुए भी तुम्हारा ये बचपना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पापा मैंने दिया वो टेंशन कैसा था? ओहो तो ये सब तेरा आइडिया था, लगाओ एक थप्पड़। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज कम मिस्टर यशवंत, आइए। सर, कॉलेज के प्रिंसिपल और उनके कलीग्स को मेरी जुडिशियल कस्टडी में रखा हूँ सर, कल सुबह उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस करूंगा सर। गुड, वेरी गुड, आपने अपने ऑपरेशन को बहुत अच्छी तरह ऑपरेट किया, रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। वन मोर थिंग सर, यूएसए के डॉक्टर फ्रांसिस के ब्लास्ट के पिछले दिन उसी मेडिकल कॉलेज को पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई बॉडियों को हाईजेक किया था सर। स्टिल यू हैव डाउट ऑन दैट? नोबडी शुड एस्केप इन दिस केस, गो अहेड। आप जैसे निष्ठावान पुलिस अधिकारी हमारे डिपार्टमेंट में होने तक नोबडी कैन चीट अस बिकॉज वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट। गुड, वेरी गुड। चाय ले लो बेटा। देखो पहले तुम पुलिस ऑफिसर्स कैसे हेयर स्टाइल रखते हैं ना वो सीख लो। हाँ, तुम जरा चुप नहीं रह सकती? नो सर, माँ जो कह रही है वो ठीक है। मिस्टर यशवंत, कुछ दिन तक मैं ये हेयर स्टाइल नहीं बदल सकता, हम पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये सिटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेडिकल कॉलेज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने जो फार्मूला यूज किया था वही फार्मूला हमें सिटी के लिए भी यूज करना होगा। आई कैन अंडरस्टैंड यू सर, डेफिनेटली आई विल डू इट सर। क्या बाहरी से आए हो क्या? कैसा माल चाहिए? कौन सी भाषा बोलते हो? क्या किस दाम में चाहिए? परमानेंट, टेम्पररी, पूरे दिन के लिए या दो घंटे के लिए? अपन को तुम्हारी बेटी चाहिए। चिल्लाओ मत, तेरी बेटी के बारे में पूछा तो तेरे को झटका लगा ना? दूसरों की माँ बेटियां तुझे इतनी सस्ती लगती है क्या? अरे थू, तुम एक औरत होकर ऐसी जिंदगी जी रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सुनो भाई, ट्यूबलाइट चेंज किया। मुंह पर अभी तक ठीक से मूछ नहीं आई है, दूध पी रहे बच्चे की से लग रहे हो। तू कौन है रे मुझे सिखाने वाला? जब तक एक औरत दूसरी औरत का शोषण करके उसका पल्लू गिराती रहेगी तब तक औरत के नाम पर वैश्या एक धब्बा रहेगी। ओए, तुम जैसी शहर में एक हुई तो बस भारतीय नारी वैश्या बनती रहेगी। हाँ, वैश्या बनती रहेगी। हाँ रे, हमारे पेट के लिए हम सब करते, इसमें कौन सी गलती है? शादीशुदा पति ना ठीक हो तो दहेज की वजह से बेटियों के हाथ पीले ना करने वाले पिता की बेटियां उन सबको इधर ही चारा पड़ता है। वाह, तारीफ करता हूँ। सत्यवादी हरिश्चंद ने वचन पालन करने के लिए अपनी पत्नी को बेच दिया। उस चंद्रवती ने अगर तुम्हारे जैसे चार लोगों से संबंध रखे होते तो आज भारत के इतिहास में उसका नाम नहीं रहता। देखो भैया, तुम्हारी हर बात मैं मानती हूँ। जब मैं इस धंधे में आई थी तब शायद तुम पैदा भी नहीं हुए थे। पुलिस क्या, गुंडे क्या, हर कोई यहाँ आते और जाते हैं, यहाँ सबकी से चलाई जाती है, लेकिन तुम जैसा सही असर दिखाने वाला मुझे कोई नहीं मिला। ए, काली कलूटी, रोज यहाँ आकर तेरा पेट कौन भरता है? इन दोनों के जिस्म की प्यास भी मैं ही मिटाता हूँ। और इसके बावजूद तुम किसी एरे गेरे नत्थु केरे के सामने मेरी बेइज्जती करती हो, तू कौन है बे? गरीबों की पार्टी बनाकर लाल झंडा लहराकर तुमने एमएलए की सीट हासिल की, उसी झंडे को नीचे उतार कर भारत माता की जय बोलकर लोगों को धोखा देकर चुनाव जीता तुमने। मुझे पूछता है मैं कौन हूँ? ए मोटी भाई, ऐसे नामर चोरों ने पवित्र भारत नाम पर कलंक लगा दिया। आपके बदन को रौंद डालने वाले ये कमीने लोग, जब आपको बुलाए तब आप अपने जूती से मार कर इनको सबक सिखाइए, तभी भारत देश से वैश्यावृत्ति मिट सकती है, मिट सकता है। यस, कौन है बे?
डॉक्टर हो तो उसके जैसा होना चाहिए। अरे वाह वाह, मेडिकल कॉलेज की प्रॉब्लम को चुटकी बजाते सुलझा दिया। ही इज ग्रेट। वाकई वो हमारे राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट का एक हीरा है। आप सब किसकी बात कर रहे हैं? वही आपका बेटा एसीपी यशवंत। गुड मॉर्निंग डैडी। हाँ गुड मॉर्निंग माई सन। होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। इंसान की सोच कुछ और होती है और भगवान की सोच कुछ और होती है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। आई नेवर एक्सपेक्टेड। हाँ बिल्कुल, यू आर करेक्ट सर। डॉक्टर फ्रांसिस का खून करने का केस सॉल्व करने में बहुत देर नहीं होगी। मेरे हिसाब से बहुत देर नहीं लगेगी। आप क्या कहते हैं सर? सर हाँ बिल्कुल, यू आर करेक्ट माई सन। यहाँ कई समाजसेवक, कई राजनेता मुझसे मिलने आते हैं। इनमें खाकी से विरोध करने वाले आते हैं और विरोध ना करने वाले भी आते हैं। अगर तुम्हें एतराज ना होता। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया पिताजी। मैं ऑलरेडी पुलिस क्वार्टर में लगेज रखकर आया हूँ, परंतु मैं निभा रहा हूँ इस ऑपरेशन के लिए। मेरे लिए ये जगह सही नहीं है। नहीं है पिताजी। हाँ? मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। तुम्हारे पिताजी का दोस्त होने के नाते अगर हमने कुछ अपराध किया तो हमें माफ कर देंगे क्या? नेवर। एक बार खाकी वर्दी पहनने के बाद जन्म देने वाली माता हो या पिता हो, चाहे साथ में जन्म लेने वाला भाई हो, किसी को नहीं छोड़ेगा ये यशवंत, बिकॉज ही इज बॉर्न फॉर जस्टिस। एनीवे आई मेक अ मूव। गुड लक माय सन। थैंक यू डियर। किसका गाड़ी है? आगे बढ़ा। ए गाड़ी इधर क्यों रोक के रखा है? पीछे वाली गाड़ियों को प्रॉब्लम हो रहा है। गाड़ी निकाल। ए मिस्टर ऐसे मत चलाओ, आगे नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, पहले उसे निकालो। या हमसे बहस करने से अच्छा आप आगे जाके ट्रैफिक हटाइए। ए ए डोंट राइज योर वॉइस। ए ए नीचे उतरो। नो पार्किंग दिखाई नहीं देता। अरे साहब ये कार किसकी है मालूम है? मुख्यमंत्री की बेटी की। आ, 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 सर सर कहां लिए जा रहे हैं मैडम की गाड़ी? मैडम वो कार लेके गया। Hey! How dare you drive my car? Who are you? एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होते हुए नो पार्किंग जोन में पार्क की हुई गाड़ी की इंक्वायरी क्यों नहीं की? सर वो चीफ मिनिस्टर की बेटी। hey! वो राज्य के मुख्यमंत्री की बेटी हो या प्रधानमंत्री की, कानून सबके लिए एक है। विद इन 24 आवर्स कार की फाइन भरी हुई रिसिप्ट मुझे दिखाओ। इफ यू मिस इट, माइंड यू। आई एम सॉरी मैडम। कोई बात नहीं, ऐसे ऑनेस्ट पुलिस वाले मुझे अच्छे लगते हैं। डैडी मैं इतनी सीरियसली बात कर रही हूँ और आप हंस रहे हो। बेटी दूसरे मंत्रियों जैसा मेरी बेटी की कार को भी बीच में रुकवाने वाला कौन है वो पुलिस ऑफिसर, ऐसा पूछो क्या? मैं उसे रेगिस्तान में ट्रांसफर करके रहूंगा, ऐसा नहीं कहूंगा। एज ए पुलिस ऑफिसर ही हैज डन हिज जॉब करेक्टली। मुझे पता था तुम यही सब बात बोलोगे। मैंने भी उसके बारे में बहुत सुना था। बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो। बहुत यंग एज का पुलिस ऑफिसर है वो। दिखने में काफी सुंदर भी है। क्या सोच रही हो प्रीति? हाँ, ओके ओके। एक्सक्यूज मी सर। व्हाट अ सरप्राइज। प्लीज कम इन यशवंत। सो नो 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 नो, व्हाट इज ऑल दिस यशवंत? नाइस बॉय। देखो भाई अच्छे लड़के सब ऐसे ही होते हैं, उनका स्वभाव और उनकी अच्छाई ही उनकी पहचान बन जाती है। आज मैं एक असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर हूं तो इनकी वजह से। ये महान आदमी, इनके एहसानों को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अरे नहीं ऐसी बात क्यों कर रहे हो बेटा। हाँ बाय द वे मिस्टर अश्वंत, शी इज माय डॉटर प्रीति।
हेलो, आई एम अश्वंत. आई नो दैट. इसे यूं ही देखती रहेगी या इसकी खातिरदारी भी करेगी? इसे कॉफी पिलाओ, मुझे जाना है. ओके पापा. हाँ अश्वंत. सर, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मैं बाहर जा रहा हूँ. तुम्हें कुछ काम था क्या? जस्ट आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ. नाइस बॉय, देखा क्या? हाँ यशवंत, आराम से कॉफी पीकर बाद में जाना. ओके, नो रिस्ट्रिक्शंस. इसे तुम अपना ही घर समझो. थैंक यू सर. प्रीति, यस पापा, टेक केयर ऑफ यशवंत. ओके ओके, सी यू अगेन. आइए चलते हैं. नाइस मीटिंग यू सर. थैंक यू. कृष्णा जी, वो लड़का कर्ज के बारे में बोल रहा था. मुझे कुछ डाउट है. क्या? तुम्हारा उससे क्या संबंध है? वैसे भी उसके पिता के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं. हेलो. ये चीफ मिनिस्टर का घर है, सिगरेट पीना मना है. नो स्मोकिंग. ओह, आई एम सॉरी. नो नो नो, आई वाज जस्ट जोकिंग. तुम्हारी ये स्मोकिंग स्टाइल मुझे बहुत पसंद है. रियली? जब आप सिगरेट पीते हो, यू लुक स्मार्ट. थैंक यू वेरी मच. लेकिन तुम्हारी बड़ी बड़ी मूंछें मुझे पसंद नहीं है. ओह सॉरी, बट आई एम हेल्पलेस. हैव कॉफी? मैं कॉफी टी कुछ नहीं पीता हूँ. फिर आप वेट क्यों कर रहे हो? सीएम साहब का हुक्म हुआ था ना, इसलिए. उनकी बेटी को देखकर. एनीवे, आई हैव डिसाइडेड टू स्टॉप स्मोकिंग फ्रॉम टुडे. एंड आई एम रियली सॉरी, उस दिन मैंने आपको बड़ी तकलीफ दी. इट्स ऑल राइट, इट वाज योर ड्यूटी. हाँ, थैंक यू. कैन आई मूव नाउ? क्या आप जाना चाहते हो? क्या कर सकता हूँ मैं? ड्यूटी फर्स्ट. एनीवे, नाइस. ओहो, फिर भी नाइस मीटिंग यू. इट्स माय प्लेजर. ओके, बाय. हाँ, एक्सक्यूज मी, आपकी सिगरेट्स यहीं रह गई. सिगरेट पीना तो मैंने छोड़ दिया है, इसकी क्या जरूरत है अब? प्रिया, यू नो वन थिंग. व्हाट? आई थिंक I am love. Thank you. Oh God. Thank you, Yashwant. जब से तू दिल में है प्यार मेरे दिल में है, मैंने तुमको जो है पा लिया, जैसे संसार को पा लिया हो. मैंने तुमको जो है पा लिया, जैसे संसार को पा लिया. आज से जाने जा, तेरा मैं हो गया दीवाना, तेरा मैं हो गया. जब से तू दिल में है प्यार मेरे
तुझको जी भर के प्यार दूं, जीवन ये अपना तुझ पे मैं वार दूं, तेरे बिना अब तो मेरा दिल ना लगे, छाया तेरा ही मुझ पे जादू। सलाम मेरा दिल पे लिखा नाम तेरा, ओए 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 तेरे प्यार को सलाम मेरा दिल पे लिखा नाम तेरा। जैसे जाने जा तेरा मैं हो गया, दीवाना तेरा मैं हो गया, जब से तू दिल में है प्यार मेरे, दिल में है। अबे तेरी तो फोटो खींचना नहीं आता है तो क्यों फोटो खींची तूने? मत मारिए सर, मत मारिए सर, मैंने फोटो सही निकाला था लेकिन सही नहीं है तो मैं क्या करूं सर, मुझे मत मारिए सर। क्या करेगा हमसे पूछता है क्या? मत मारिए सर, मत मत मारिए। ए सही फोटो निकाला हूँ, ऐसे हमसे झूठ बोलता है क्या? नहीं मारिए सर, मेरी कोई गलती नहीं है, सुबह मेरे मालिक आएंगे ना तो मैं दोबारा फोटो खिंचवा कर दूंगा सर। हम लोग कितने खतरनाक आदमी है ये बात तुझे पता नहीं है क्या? हमसे ऊंची आवाज में बोलता है क्या? ए, हमें बुद्धू समझता है क्या? ए, तू अच्छी तरह फोटो नहीं निकाल सकता तो क्यों निकाला? ए, अब हम निकालेंगे तेरा फोटो। नहीं सर, नहीं सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, मत मारिए मुझे, छोड़ दीजिए सर, नहीं सर। क्यों रे, तुम सब लोग उसे क्यों मार रहे हो? तुम लोग क्या इस एरिया के दादा हो? हाँ, पता नहीं है किसी को बेवजह मारना गलत है। ए, सुबह आकर रिपोर्ट लिखवा देना। ठीक है सर।
अरे तुम लोग कौन हो? खामोश, किसी ने भी अपना मुंह खोला तो काट कर रख दूंगा। ये क्या हो रहा है? तुम लोग जाते हो या पुलिस को फोन करो? मैं ए, पुलिस को फोन करेगा तू? देरी तो। अरे हमारी टीवी। मैंने साइन कर दिया है, मुझे कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना सर? कुछ भी नहीं होगा, जाओ यहाँ से। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, मेरे मालिक मुझे ठीक से फोटो खींचने नहीं आता, ऐसा बोलकर मुझे हमेशा चिल्लाते रहते हैं सर। अच्छे फोटो निकालने के बावजूद भी वो मुझे चिल्लाते हैं सर। प्लीज आप एक बार ये फोटो देखिए ना सर। दिखता नहीं, अभी मैं काम कर रहा हूँ, अभी मेरा सिर मत खाओ, जाओ जाओ जाओ। सर प्लीज सर, आप एक सिंसियर ऑफिसर है सर, सिंसियरिटी से किए गए काम को आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे क्या सर? अच्छा दिखाओ। तुम्हें डॉक्टर फ्रांसिस की कार में बम फिट करने के लिए किसने कहा? इसमें तुम्हारा और कौन कौन भागीदार है? तुम्हारे पीछे और कौन कौन लोग हैं? खुद तुम लोगों ने बताया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा मुंह कैसे खुलवाना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। सीधी तरह सच सच बता दोगे तो तुम लोगों को सजा कम होगी, ये बात याद रखना। कम ऑन टेल मी। तुम कुछ भी कर लो, हम बताने वाले नहीं। एवरीबॉडी आउट। नहीं बताओगे? यस सर, यू आर करेक्ट सर। ये पांच लोग लोकल गुंडे नहीं है, ये सभी प्रोफेशनल किलर्स हैं। डॉक्टर फ्रांसिस के बम ब्लास्ट की वजह यही लोग हैं। ओह माय गॉड, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर सूर्या? यस सर, गृह मंत्री ने जब इन लोगों को रिलीज करने के लिए कहा तभी मुझे शक हो गया सर। ऑलरेडी इन गुंडों के पेट से मैंने कई इन्फॉर्मेशन निकाली है, इसके बैकग्राउंड में बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है सर। किसी भी वजह से सारे सस्पिशियस लोगों के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप इनकार मत करना सर। नेवर, होम मिनिस्टर रहे या मैं खुद रहूं, अपनी कस्टडी में लेके तुम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर, ये स्टेशन में निकाले हुए फोटोज है सर। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग सूर्या, मीट माय डॉटर प्रीति। हेलो। हेलो। पापा ये लोग कौन हैं? ये सब लोकल किलर्स हैं। किलर्स क्या? बाय पापा, सी यू सर। सर तो मैं चलूं सर? सूर्या इस केस को अच्छी तरह से सुलझाओगे, मुझे विश्वास है। इस केस से मुझे जल्द ही छुटकारा दिलवाइए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। ओह माय गॉड, नो।
ए, ए, क्या हुआ रे? ए, ए लक्ष्मण, ए लक्ष्मण, ओ, ओ क्रॉस कॉल, ए विक्रम, बोल ना, बोल क्या हुआ? बोलो कब आ गए? बोल, सर, बोल ना, सर, आधा घंटा हो चुका है सर, आधा घंटा हो गया? हेलो कंट्रोल रूम, देखो एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन एंटायर सिटी में नाकाबंदी कर दो, किसी भी व्यक्ति पर संदेह हो तो अरेस्ट कर लो, ओके? हेलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, देखो नेहरू नगर पुलिस स्टेशन में जल्दी से एक एम्बुलेंस भेज दो, ओके? ए विक्रम, विक्रम एसपी यशवंत कहाँ है? कर्तव्य निभाने वाले पुलिस ऑफिसर, तुम जैसे बुजलों से डर गए तो जन्म देने वाली माता का अपमान होगा। एक और पुलिस स्टोरी आईपीएस अगली क्या ए, आगे बता ना, मैं तो इसको मार दूंगा। डोंट गेट स्केयर्ड बाय देम।
अगर तुम्हारे घर में कुछ संकट आए तो पुलिस की मदद मांगते हो, बट नो सेंटीमेंट फॉर पुलिस। कोई हिम्मत वाला नहीं जो मेरी मदद कर सके। गुंडे लोगों से हमें डर लगता है सर। डर? इसी तरह डर डर के रहने से दूसरे देश के गुंडों ने हमारे देश में आए मशहूर लोगों को आधी रात को किडनैप कर लिया। ए, क्या उम्र है तेरी? 20 साल। 20 साल के जवान होकर डरते हो तुम लोग? शर्म आती है मुझे तुम पर और तुम्हारी जवानी पर तरस आता है। इस उम्र में तुम्हारे में वो खून होना चाहिए जिसमें उबाल हो, मगर तुम ठंडे हो चुके हो। तुम्हारा खून ठंडा हो चुका है। याद करो उन शहीदों को जिसने देश को आजाद करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे बच्चे जरूर होते हैं, उन्हें माता इंदिरा गांधी की कुर्बानी याद दिलाना होगा, उनके त्याग को समझना होगा, तभी राष्ट्र का प्रधानमंत्री बन सकता है। माँ, ये काम मेरी माँ ने किया और मुझे एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनाया, और मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करता हूँ। बीबी और बच्चों को भूलकर हम अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करते हैं। जहाँ भी रहते हैं वहाँ जनता के सुख के बारे में ही सोचते रहते हैं। जनता के दिलों से आतंक का खौफ मिटाना होता है, जिसके लिए हम लोग अपने जान की बाजी तक लगा देते हैं। दैट इज पुलिस, 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 पुलिस। क्या देख रहे हो? उठाओ इसे। उसको खत्म कर दिया। There's nothing to worry now. Take rest. Thank you. Okay. यशवंत, यशवंत, अब मिल गई ना तुम्हें तसल्ली? मेरी पत्नी के गुजर जाने के बाद अपने इकलौते बेटे के लिए, उसकी खुशी के लिए मैंने आज तक मैंने दूसरी शादी भी नहीं की। इसे काबिल डॉक्टर बनाने के वास्ते मैंने इसे बॉम्बे भेजा तो तुमने मुझे बताए बिना ही इसको एक पुलिस ऑफिसर बना दिया। लोगों की नजर में से कहीं का नहीं रखा। देखो, यही फर्स्ट और लास्ट है। ये जो केस हैंडल कर रहा है ना, वो आगे बढ़ना नहीं चाहिए, समझ गए? एक यही काम रह गया था क्या करने के लिए? रुपये कमाने के लिए और भी कई रास्ते हैं। देखो, देखिए, उसका इसका क्या ताल्लुक है? तुम एक समाज सेवक होकर ऐसी बात कर रहे हो? देखो, मुझे तुम्हारी बेकार की बातें नहीं सुननी है। मुझे मेरे बेटे का भविष्य प्यारा है। देखो यशवंत, तुम अगर अपने पिता की सलामती चाहते हो तो दोबारा खाकी वर्दी मत पहनना। नेवर। जब तक मेरी सांसों में सांसें हैं, मैं गद्दारों से डरकर अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगा। नो नो यशवंत, एटलीस्ट तुम्हें एक हफ्ते तक तो बेड रेस्ट लेना ही पड़ेगा। तब तक आईपीएस सूर्या इस केस को हैंडल करेगा। सर, सर, वो ऐसा नहीं है सर। नो नो, रिलैक्स, दिस इज माई ऑर्डर। ओके ओके सर। देखिए सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यशवंत को उस वार्ड से इस वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, प्रिया को नहीं बतानी थी। हमने भी ऐसे ही झूठ बोल दिया। अगर मुख्यमंत्री जी की बेटी को ये बात पता चल गई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वो पहले से गुस्से वाली है। यस सर। सर, आप यहाँ दिल्ली नहीं गए सर? आपके साहब अंदर हैं क्या? सर, वो अंदर हैं। तुम ऐसा बोल रहे हो मगर वो अंदर नहीं है। अब सर, आपकी बात सच है, वो अंदर नहीं है। पहले तुम लोग जाकर अपनी अपनी ड्यूटी निभाओ। यशवंत नगर में आग लगी है, तुम लोग उधर जाओ। सर, वो यशवंत साहब ने... नो, दिस इज माय ऑर्डर, यू कैन गो नाउ। यस सर।
नमस्कार साहब जी, शेर पिंजरे से बाहर निकल चुका है। इस बार वो बचेगा नहीं। प्लीज मुझे छोड़ दो। किलर्स को मैंने हॉस्पिटल में छिपा दिया है, उन्हीं के हाथों से इसका हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। मैं पुलिस कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली जाने वाला हूँ, ये खबर सारे पुलिस डिपार्टमेंट को मालूम है। ए, कौन हो तुम लोग? ए, ए, रुको, ए, रुको, रुको, रुको। सर, वो चाबी छीन के जा रहे हैं। इन्हीं किलर्स के द्वारा उसे खत्म करवा डालेंगे। लगभग उसकी जान तो अब नो चली गई होगी। यशवंत, यशवंत, डॉक्टर, डॉक्टर, प्लीज कम। यस सर। बैठ जाओ, अंदर आओ। नो no! कल दिल्ली कॉन्फ्रेंस के लिए जाने वाले तुम अचानक इधर कैसे आए? हाँ, कल रात मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ने की खबर और वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, ये जानकर मैंने दिल्ली जाना कैंसिल कर दिया। क्या पता है आपको, मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है। hey, कर्तव्य से आपकी फैमिली बड़ी है क्या? पहले जाने वाली जान को बचाओ। डॉक्टर, देख हिम। नो no! कमिश्नर देशपांडे की बेटी इस हॉस्पिटल में एडमिट हुई है या नहीं, सिर्फ 15 मिनट के अंदर मुझे इसकी कंफर्मेशन रिपोर्ट चाहिए। यस। ओके। ओके सर। या दो दिन से यहाँ पे किसी और को एडमिट नहीं किया सर। आर यू श्योर? यस सर। माय गॉड, कैन आई स्पीक टू सूर्या? पुलिस हमारे पीछा कर रही है, गाड़ी मत रोकना। सुबह 9 बजे तक हम मुंबई एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। क्या पहुंच जाएंगे सर? वहां से आपको कहां जाना है ये जानकर तुम क्या करोगे? ऐसे ही पूछ लिया था सर। ए, चुपचाप गाड़ी चला बे साले। लगता है पुलिस के लोग हैं। रोको, रोको, रोको गाड़ी, रोको, रोक, रोक। कौन हो तुम लोग, गाड़ी क्यों नहीं रोकी? हम कौन है जानते हो क्या? तुम कौन हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हे, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम पुलिस स्टेशन से भाग निकले? ए, बताओ तुम्हें सपोर्ट करने वाला कौन है? बोलो, कम ऑन, जल्दी जल्दी बोलो। बोलोगे या नहीं? ए, बोल, कैसे भाग गए तुम लोग पुलिस स्टेशन से? कैसे भाग गए तुम लोग? बोलो, बोलो, कौन तुम्हारी मदद कर रहा है? टेल मी, टेल मी, टेल मी। ए, ए, बोल, बोलो, 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 बोलो,
बोलो बताता हूँ कौन है तुम लोग टेल मी द ट्रुथ बोलो उस दिन वो हमारी मदद करने वाले थे That's good. Surya IPS. Pata hai. Please come. Thank you. By the way, I'm Mrs. Deshpande. Uh-huh. Please visit it. It's okay. Thank you. Hey, Sharda. Yahan kaun aaya hai? Saab, main hu saab. Dhobi kapde lene aaya hu. किसके साथ बात कर रहे हैं आप? आपके पति पूछ रहे थे कौन आया है उन्हें जवाब दे रहा था कॉफी लीजिए प्लीज थैंक यू एक बात पूछूं आप लोगों के कितने बच्चे हैं दो एक लड़का और एक लड़की है ना नहीं हमारे जुड़वा हैं लड़के हैं हाँ ये बताइए कल आपका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था ना क्या प्रॉब्लम था उसे मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था मेरे बेटे मेरे भाई के साथ अमेरिका में है शारदा मिस्टर सूर्या पुलिस कमिश्नर के घर में आकर सस्पेक्ट करना मुझे इन्फॉर्म किए बिना मेरी बीवी से पूछताछ करना गलत है एक्सक्यूज मी सर ये केस कौन हैंडल कर रहा है जब सबूत स्ट्रांग हो तो किसी से भी कभी भी कैसे भी सवाल पूछने की परमिशन सीएम ने मुझे दे रखी है ये तो आप भी जानते हैं hey! इसे मैं नहीं मानता हेलो हेलो मैं मुख्यमंत्री बात कर रहा हूँ बोलिए सर देशपांडे हाँ सर सवालों को आप सही जवाब दीजिए हाँ यस सर माय ऑर्डर ओके 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 सर आउट आउट सूर्या मिस्टर देशपांडे, यूएसए से आए डॉक्टर फ्रांसिस के आने की पिछली रात आईपीएस राणा का खून हुआ था उसके बारे में आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन शुरू क्यों नहीं किया अभी उस केस की फाइल ओपन करने का निर्णय किया है ये काम आपने पहले क्यों नहीं किया वो यस एक जिम्मेदार सिटी कमिश्नर होते हुए भी आपने डॉक्टर फ्रांसिस के आने के पहले पॉम स्क्वाड सिक्योरिटी को अपने कंट्रोल में लिया था उसको आपने पर्सनली चेक नहीं किया था ना ये सब आपको किसने बताया मेरे बदन पर खाकी वर्दी है आप जानते हैं ना सूर्या वन मोर क्वेश्चन फंक्शन होने के बाद जब डॉक्टर फ्रांसिस की कार निकली तो उसकी सिक्योरिटी कार में आप नहीं थे इज इट ट्रू मैं होम मिनिस्टर की कार में बैठा था थैंक यू आई गॉट द ट्रुथ ये क्या बोल रहे हैं आप यस डॉक्टर फ्रांसिस की कार में ब्लास्ट होने से आधा घंटा पहले होम मिनिस्टर की कार स्टेट गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस के सामने खड़ी थी इस बात का चश्मदीद गवाह है वहाँ का वॉचमैन और इसका सबूत है इस फाइल के अंदर एम आई राइट हाँ ये सही है गेस्ट हाउस में कार थी सिर्फ इसलिए आप हमें खूनी नहीं कह सकते हैं ये तो कोर्ट में ही डिसाइड होगा हाँ एंड वन मोर थिंग मेरा इन्वेस्टिगेशन खत्म होने से पहले बाय चांस हायर अथॉरिटी ने आपको सस्पेंड कर भी दिया तो भी मेरी परमिशन के बिना आप कहीं भी बाहर नहीं जा सकते अंटिल माय वर्क फिनिशेस गुड लक नो फोन टू होम मिनिस्टर आई विल टेक हिम टू माय कस्टडी जब वो पांच लोग गिरफ्तार हो ही गए हैं तो सच्चाई सामने आकर ही रहेगी
गुरुदेव, मेरी सर्विस में सस्पेंड होने के एक दिन भी नहीं बुलाया है। मुझे सस्पेक्ट करके, मेरे ही घर में एक दिन कैद करके, मेरा मुंह खुलवाकर उसे तसल्ली नहीं हुई। निरापराधी पर दबाव डालकर, अपराध स्वीकार करने पर मजबूर करके, मुझे अपराधी के स्थान पर खड़ा कर दिया। गुरुदेव, वो मुझ पर कितना भी सस्पेक्ट करे मुझे परवाह नहीं, मगर उसने रघुराम सहाय को एक दिन लॉकअप में जो बिठाया था वो बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे भी नहीं छोड़ा उसने, जबकि मैं इस राज्य का गृह मंत्री हूँ। मेरी माँ ने भी मुझसे ऐसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछे। वोट मांगने के लिए मैंने आज तक जनता के सामने उतना मुंह नहीं खोला जितना इसने मुंह खुलवा लिया। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया तो हमेशा के लिए सस्पेंड। छी, देखो दोस्तों, इस तरह निष्ठावान पुलिस अधिकारी पर नजर रखना गलत है। हमारे राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट का नाम ऊंचा करने वाले उस महान पुलिस ऑफिसर को सभी लोगों ने अप्रिशिएट करना चाहिए। हम सभी ने अप्रिशिएट करना चाहिए। वो जिस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें गलत क्या है? हाँ, कुछ गलत नहीं है। सर, जिस पर आपको शक है वो रघुराम ऐसा नहीं है। आप क्या बोल रहे हो मिस्टर सूर्या? एक इंटेलिजेंट ऑफिसर को ऐसी बात नहीं करना चाहिए। क्या आप कैसे कह सकते हैं सर? आप जैसा सोचते हो वैसा, वो रघुराम अच्छा आदमी नहीं है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, वो अच्छा आदमी नहीं है। बहुत साल पहले बिना चप्पल पहने हमारे घर आया था। मेरा पैर पकड़कर मुझसे कहा था मुझे समाज सेवा करने का मौका दो। मेरी विधवा बहन के बेटे से प्यार जताकर मेरी बहन पर जाल फेंका। मेरी विधवा बहन को नई जिंदगी देने की बात लेकर वो मेरे पास आया, मुझसे विनती की। मेरी बहन को हजारों के सामने मंगलसूत्र पहनाकर लोगों का प्यार पाया। जनता के सुख दुख में भाग लेना शुरू किया। हर किसी का यकीन और विश्वास प्राप्त करके वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोग मुझसे ज्यादा उसको पसंद करने लगे और इस तरह चारों तरफ उसका नाम हो गया। बाद में एक दिन जब सभी क्षेत्र से हमारे प्रेसिडेंट उम्मीदवारों को सिलेक्ट कर रहे थे तब आप लोग जरा सोचिए, हमारी पार्टी के लोग हमसे ही मतभेद कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता नहीं है अगर हम उनसे अलग हो गए तो वो जीत नहीं पाएंगे। दूसरी पार्टी में भारी बहुमत से जीतने के बाद भी आपके डर से उस पार्टी को छोड़कर ये हमारी पार्टी में शामिल हो रहा है। तो फिर इसमें हमें डरने की क्या बात है? ऐसी धमकी देने वालों की हमारी पार्टी में कोई जरूरत नहीं है, समझ गए आप लोग? आज राजनीति खड़ी है सिर्फ गुंडागर्दी पर, जिससे बिना जवाब मांगे जनता वोट दे। ऐसे ताकत वाले कैंडिडेट को हमेशा हमें अपनी पार्टी के लिए ढूंढना पड़ता है। गुंडागर्दी से इलेक्शन कराया जाता तो जनता की नजर में राजनीति कब की खत्म हो जाती? अगर हमारी पार्टी जीती तो तुम एक एडवाइजर बन सकते हो। कृष्णकांत जी, पेड़ से पेड़ को रस्सा बांध सकते हैं, अगर विरोधी पक्ष वाले रस्से को काट भी देते हैं तो फिर भी उसे गांठ बांध सकते हैं। वो रस्सा ही अगर ना हो तो गांठ कैसे बांधेंगे? इसलिए इसकी बात मान लीजिए। नमस्ते सर। सर, ये मिस्टर रघुराम है सर, बहुत अच्छे समाज सेवक हैं, बड़ी शीघ्रता से जनता का विश्वास प्राप्त किया है। देखने से ही पता चल जाता है इस आदमी को हमारी पार्टी से सीट क्यों नहीं दी जाए। वो गलत होगा, फिलहाल हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन करने का कंफर्म किया गया है। उल्लासनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट इसे दे दो। सर, इसको हम में से कोई नहीं मानेगा। अध्यक्ष जी, आप गलत कर रहे हैं, इस कैंडिडेट को दी हुई सीट दूसरे को देना गलत है। ज्यादा बात करने वाले कुछ और कैंडिडेट्स को हमें सस्पेंड करना पड़ता है, माइंड इट। आप लोग खामोश रहिए, इनकी बातों को मान लीजिए। कल सुबह की फ्लाइट से मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आज की रात। सब समझ गया, आप चिंता मत कीजिए, सब व्यवस्था हो जाएगा। रघुराम, आप समझ गया,
अर्पण कर दूंगा आपके चरणों में। तुम्हारा भाई ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। ओहो, उसे जाने दो। क्या जाने दो? उसकी बहन से शादी करके उसे नई जिंदगी दी, क्या उसे जरा भी एहसास नहीं है? चार लोगों का प्यार और विश्वास कमाकर मैं कहीं उससे आगे ना बढ़ जाऊं, इस बात का डर है उसे। उसे क्या हुआ? जनता का आपने भला किया, वही चुनाव जिताएगी। शुक्र है, कम से कम आज तुमने अच्छी बात की। तुमसे शादी करके आज मेरी जिंदगी सफल हुई। हेलो, कौन? सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं, सर सर आपके पैर की जूती मैं अपने सर पर रखकर घूमूंगा। सर एक बात सुन। बताइए सर, कब भेजने वाला है? कब भेजू सर? क्या रघुराम मंत्रालय में मंत्री बन के बैठने का सपना अभी से देखने लगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। सर आपने जो मुझ पर उपकार किया है उसके बराबर ये कुछ नहीं है। भेज दूंगा सर, भेज दूंगा। शांति, क्या है जी? तुम्हारा पति मिनिस्टर बनकर पार्लियामेंट में बैठे, ये तुम्हें अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा। अगर पति को अच्छा स्थान मिले तो दुनिया की हर पत्नी बहुत खुश होती है। तो फिर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें आज की रात मिनिस्टर के साथ बिताना होगा। रघुराम, 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 क्यों रे? तुम जैसी विधवा को मंगलसूत्र पहनाकर तुम्हें एक नई जिंदगी दी। सिर्फ एक रात उसके साथ बिता दूंगी तो मेरी जिंदगी सवर जाएगी, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। तू इतना नीच कमीना होगा ये मैंने सोचा नहीं। बस मेरा ये काम कर दे। देखो देखो वो आ गया। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। शांति, तुम्हें मैं जान से मार दूंगा, खत्म कर दूंगा तुम्हें। बोलो बहन, इतनी रात को क्यों फोन किया? तुम सोच रहे थे वैसा ही, वो रघुराम अच्छा आदमी नहीं है, बहुत दुष्ट है। ओह माय गॉड, ऐसा क्या हुआ बहन? वो अधिकार की कुर्सी पाने के लिए उस पर बिठाने वाले के साथ तुम्हारी बहन को आज की रात गुजारने के लिए कह रहा है। क्या बोल रही हो बहन? भैया अगर तुम जल्दी आए तो ही अपने बहन की लाज बचा सकते हो। ऐसा कुछ मत करना बहन। भैया भैया रघुराम। किसे फोन कर रही थी तू? मैंने भाई को फोन किया था। क्या कहा? आज तेरा सब रंग उतर जाएगा, तुम्हारे सब सपने टूट जाएंगे। अब इस जन्म में तो तुम्हें उस मंत्रालय की सीढ़ी चढ़ने नहीं दूंगी मैं। राजनीति की मोहजाल में फंसकर इंसानियत को भूल गया वो। उसने मेरी बहन की जान ले ली, उसने राजनीति में आने के लिए जन्म देने वाली माँ और पहली बीवी को मार डाला। इस बात का मुझे बाद में पता चला, उस कमीने ने मेरी बहन को भी जिंदा जला दिया। अगर मैं इस बात को किसी से कहूं तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। रसोई में खाना बनाते वक्त अचानक आग लग गई और मेरी पत्नी की मौत हो गई। इस बात का लोगों को यकीन दिलाया कि उसकी माँ को उसके पिता ने ही जिंदा जला दिया। इस राज को मैंने राज ही रखा। यशवंत को आज तक ये बात मालूम नहीं होने दी। रघुराम ने उसे डॉक्टरी पढ़ने बाहर भेजा। जब ये खबर मुझे मिली तब मैंने उसे खूब सोच विचार कर डॉक्टरी नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर बनाया, ताकि रघुराम से अपनी बहन पर होने वाले अत्याचार का बदला ले सकूं। आज जो पुलिस डिपार्टमेंट की शान है असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर यशवंत, वो कोई और नहीं मेरी बहन का बेटा है। पांचों को एक ही सेल में रखा गया तो डेफिनेटली कुछ अनहोनी घटना हो सकती है।
तुम क्या करना चाहते हो? सर, अगर आपकी इजाजत हो तो इन किलर्स को मैं खुद अपने साथ में किसी गुप्त जगह पर ले जाऊं। आपको मुझ पर यकीन हो तो इन्हें कोर्ट के सामने लाने तक मेरी कस्टडी में रखिए, बट आपकी परमिशन मिलने के बाद ही। आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर सूर्या? मुझे आप पर पूरा पूरा यकीन है। तुम्हें किसी भी तरह की जरूरत हो तो बेहिचक मांगो, मैं तैयार हूँ। महाराष्ट्र राज्य की मर्यादा को बचाना है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सिर को गर्व से ऊंचा करना है। उस रघुराम को सजा मिलनी ही चाहिए, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। यस, उस सेल से उन किलर को बाहर निकल के लाओ। सर, सूर्या आईपीएस ने किलर्स को बंद करके रखा है। ऑर्डर कर रहा है तुम्हारा एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यशवंत। ब्रिंग देम। किसी को अंदर मत छोड़ना। आउट। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। हाँ, मैं सूर्या ऑफिसर जैसा तुम पर कोई चार्ज नहीं करूंगा। मैं बैठा हूं तो बच्चा हूं, उठ गया तो शेर बन जाऊंगा, ये पता है ना? उस डॉक्टर को मारने का आदेश तुम्हें किसने दिया, मुझे बताओगे क्या? कम ऑन, टेल मी। एवरीबॉडी आउट। मैं आप लोगों को कुछ नहीं करूंगा। कॉफी ले लो। कॉफी लो। विटनेस क्लोज। सूर्या आईपीएस। सर, एसीपी यशवंत ने उन क्लर्क्स को मार डाला। नो नो, अरे पापी, तूने उन गवाहों को भी मार डाला? हाँ, यही राजनीति है। कंप्यूटर राजनीति। कृष्ण भगवान ने अर्जुन के सामने उसके बेटे को युद्ध के लिए प्रेरित किया। वो जीतने वाला योद्धा बब्रुहन था, लेकिन इस राजनीति की शतरंज में जीतने वाला योद्धा ये अर्जुन है, क्योंकि उधर अर्जुन के लिए उसका बेटा बब्रुहन दुश्मन था, इधर राजनीति की इस युद्ध में मेरा बेटा मेरा सारथी है। रघुराम, ये तेरा आखिरी खेल है। गुड, वेल डन माय बॉय। मैंने आज तक राजनीति में कोई भी काम सीधी तरह से कभी किया ही नहीं, सभी काम को घुमा फिरा कर ही जनता की नजर में मैंने अच्छा नाम कमाया है। आज तुमने भी ऐसे ही एक निष्ठावान पुलिस ऑफिसर अधिकारी होने के नाते अच्छा नाम और इज्जत कमाकर जनता का विश्वास जीता है। गुड, वेरी गुड। आप कुछ भी बोलिए, आपका बेटा हूं। आप सीएम बनेंगे तो मैं डिप्टी सीएम तो जरूर बनूंगा, कोई संदेह नहीं है। दो के झगड़े में तीसरे का फायदा, ऐसे ही हमें इस्तेमाल करके हमारे पोस्ट से हमें नीचे उतार दिया। सारे पुलिस डिपार्टमेंट के सामने शर्म से मेरा सिर झुकवा दिया। आप समाज के गणमान व्यक्ति हो, आगे हम दोनों का क्या हालत होने वाला है? कमिश्नर साहब, देखिए, आप देखने में बड़े हैं लेकिन बुद्धि नहीं है। पिताजी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह सारा राज्य हमारा है। हम बोले तो जनता,
जनता बोले तो हम। आप लोग ऐसा सोचते हैं कि गवाहों को मारकर आपने केस को खत्म कर दिया है। ये क्या बोल रहे हो धर्मराज? आप लोग जितना समझते हैं आईपीएस सूर्या उतना सिंपल नहीं है। गवाहों को मारने से पहले उनकी गवाही लेकर उनका साइन ले चुका होगा। आई एम राइट मिस्टर कमिश्नर? यस डेफिनेटली, उसने ऐसा ही किया होगा। ऐसे में हम क्या कर सकते? पिताजी, जान लेने वालों के लिए गला काट लेना कोई मुश्किल काम है क्या? इनकी लापरवाही से ही इनकी तबीयत खराब हुई है। मतलब? वक्त पर ना खाने से, वक्त पर दवा ना लेने से फर्स्ट अटैक इसीलिए आया है। लेकिन डॉक्टर, आगे कभी ने कोई खतरा तो नहीं है ना? किसी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए और आंखों के सामने कोई आघात नहीं होना चाहिए। अब मैं चलता हूं, रात में कोई तकलीफ हो तो जी मुझे फोन कर देना, ठीक है? आइए डॉक्टर, चलिए। नहीं, मुझे रोको मत, मुझे जाने पड़ेगा। कहां जा रहे इतनी रात को? देखो संजना, जिन 5 लोगों ने डॉक्टर फ्रांसिस का खून किया है उन सभी के स्टेटमेंट सिग्नेचर के साथ इस फाइल में दर्ज है और इसको सही जगह पर पहुंचाना मेरा फर्ज है। मैं नहीं कुछ जानती तुम्हारा फर्ज वर्ज। आधी रात को माँ को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? देखो मुझे मत रोको, मेरा जाना जरूरी है, मैं जा रहा हूँ। लीव मी, रुक जाइए ना। I have to go, लीव मी। सूर्या, माँ, सूर्या, माँ, सूर्या, माँ, माँ, माँ क्या हुआ? सूर्या, सूर्या, बोलो माँ क्या बात? सूर्या, सूर्या, मुझे मुझे क्या है? मुझे एक वचन दो, 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 सूर्या, सूर्या, इधर देखो, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ जल्दी, मेरी फिक्र मत करो, नहीं, जाओ, जाओ, जाओ।
हमारी पार्टी हमसे बगावत करने पर उतर आई है। हम कुछ नहीं बोल सकते, हमारी पार्टी में ही एकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री को हमारी पार्टी से निकाल दिया है, ये बिल्कुल गलत है। आपकी लापरवाही से ये सब हुआ है। हमसे बिना परमिशन लिए आईपीएस सूर्या को दिल्ली से इधर बुलाना गलत नहीं था? मुख्यमंत्री जी, अब आपके पास सिर्फ 24 घंटे का समय ही बचा है। इतने समय के अंदर अगर आपने अपने कंधे पर ली हुई जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया तो आपको अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। मैं मेरी खुशी पाने के लिए या मेरे स्वार्थ पाने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा हूं। ईमानदारी से काम करने पर भी मेरे ही पार्टी के लोगों से ऐसा तोहफा मिलेगा, यह मैंने सोचा नहीं था। आगे आने वाले विषय पर विचार करना छोड़ के अपने पदवी के मोहजाल में फंसकर खुद ही चिंतित हूं। अपना त्यागपत्र आज ही राज्यपाल जी को भेज रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि आखिर आपकी इस केस को हैंडल नहीं कर सके ना? शट अप, फिजूल की बातें मत करो, सिर्फ काम की बात करो। सूर्या, आप ही कुछ कीजिए ना। मैं आप लोगों की तरह भाषण देने वाला कोई नेता नहीं हूं। जन्म देने वाली माँ बाप के मरने पर, अपनी बेटी के खोने पर भी मुझे इतना दुख नहीं हुआ, लेकिन भारत की धरती पर तुम जैसों ने जन्म लिया, तुम्हारे स्वार्थ और तुम्हारी गैर जिम्मेदारी को देखकर मुझे अफसोस हो रहा है। तुम जैसे राजनेता इस देश को चलाएंगे, यह बात महात्मा गांधी को पहले पता होती तो अंग्रेजों से आजादी कभी नहीं दिलवाते, कौन से की गोलियों से कभी नहीं मारे जाते। तुम लोगों से मेरी इतनी ही विनती है कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भारत की मर्यादा दांव पर मत लगाओ। राज्य की जनता का पुलिस डिपार्टमेंट से विश्वास उठ जाए, ऐसा कुछ मत करो। मिस्टर सूर्या, कंट्रोल योरसेल्फ। माफी चाहता हूं सर। रंजना, ए संजना, रंजना, संजना, 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 ए, ए, जैसे निष्ठावान पुलिस अधिकारी के लिए मैं लायक नहीं हूँ। आप जैसा धैर्य, हिम्मत और ताकत मुझ में नहीं है। मुझे मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाली मेरी सासू माँ को मैं खो बैठी हूँ। मेरी प्यारी बेटी को भी मैंने खो दिया है। बेटी के बिना जीना मुश्किल है, इसलिए मैंने ऐसा निर्णय लिया है। मुझे माफ करना, अगर पुनः जन्म है तो मैं उस जन्म में भी आप ही की पत्नी बनकर आऊंगी, लेकिन हिम्मत वाली पत्नी बनकर आऊंगी। सूर्या, हाँ हाँ, सूर्या आईपीएस। खाकी वर्दी पहना हुआ एक निष्ठावान पुलिस अधिकारी, तुम्हारे कर्तव्य निष्ठा की मैं कदर करता हूं। अपने फर्ज को निभाने के पीछे अपनी पत्नी और बेटी के देखभाल के लिए कभी समय भी निकालने पाए, इसका मतलब तुम अपनी फर्ज की कितनी कदर करते हो यह मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। बदकिस्मती से तुमने अपने जन्म देने वाले मां बाप को भी खो दिया, पत्नी को भी खो दिया, वंश के इकलौते चिराग को भी खो दिया तुमने। ये सब तुम्हारा डिपार्टमेंट तुम्हें देगा क्या? आखिर उस मुख्यमंत्री की, नो, उस पूर्व मुख्यमंत्री की बात सुनकर तुमने अपनी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर डाली। उस महाबली शिव की सिर्फ 3 आंखें हैं, मगर इस रघुराम के 100 आंखें हैं। मिस्टर सूर्या, तुमने अपने फर्ज के लिए अपने परिवार को खो डाला, लेकिन मैंने कॉरपोरेटर बनने के लिए मुझे जन्म देने वाली अपनी मां की ही जान ले ली। मैंने असेंबली मेंबर होने के लिए अग्नि को साक्षी मानकर मंगलसूत्र पहनाई बीवी को,
मैंने जला डाला और अब कैसे भी मुख्यमंत्री के मुकाम तक पहुंचने के लिए मैं चुटकी बजाते ही तुम्हें खत्म कर डालूंगा। बट ऐसा मैं करूंगा नहीं, बिकॉज आई लाइक यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आज मैं दोपहर में मुख्यमंत्री पदवी का पदभार स्वीकार करने वाला हूं और यह होने वाला मुख्यमंत्री तुम्हें अब की बार एक आखिरी मौका देता है। मतलब तुम सस्पेंड हुए हो ना, तुम्हें मैं तुम्हारी खोई हुई खाकी वर्दी वापस दिला सकता हूं, बट ऑन वन कंडीशन, मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद तुम्हें अपने एंटायर डिपार्टमेंट के साथ आकर मुझे सल्यूट करना होगा। और ये देखकर मुझे खुशी होनी चाहिए। किसका नसीब कैसे खुलता है, लेकिन हमारे साहब का नसीब खुला भी तो एक परराष्ट्र के डॉक्टर से। वो कृष्णकांत को पदवी से नीचे गिराने के लिए हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। मेरे राजनीति की जीत के रथ का सारथी मेरा बेटा यशवंत ही है। आखिर में आपने उस विदेशी डॉक्टर फ्रांसिस को खत्म ही कर दिया, सारे सबूत भी मिटा डाले। आप जो सोचते हो गलत है, डॉक्टर मरा नहीं। साहब जी नमस्ते। नमस्ते साहब जी। किसको चाहिए तेरा नमस्ते? आइए। नमक हराम, तुम्हारे जैसे कमीने को तो मैं, तूने इतना अत्याचार और अन्याय किया फिर भी तुझे हम यहां लेकर आए, और अब तुम मुख्यमंत्री बनने वाले हो और मुझे बताया तक नहीं। खास करके मैं यही बात आपको बताने के लिए ही तो मैं दिल्ली आया, लेकिन आप तो आपके स्वास्थ्य का चेकअप करवाने के लिए भारत देश छोड़कर दूर विदेश चले गए थे। साहब जी आप मेरे अन्नदाता है, मैंने आपका नमक खाया है, मैंने पहले भी कभी धोखा नहीं दिया और ना आगे भी दूंगा। साहब जी ये मुख्यमंत्री का दिया हुआ पद मैं आपकी दी हुई भीख समझूंगा। और हाँ एक और बात, आप सोचते कि वो डॉक्टर जिंदा है, पर वो जिंदा नहीं है और उसे ब्लास्ट करके मरवाया मैंने ही है। करेक्ट। उस दिन ब्लास्ट हुआ था ये सच है, लेकिन उस दिन क्या हुआ ये तुम्हें पता नहीं। अपने हेल्थ चेकअप के लिए इन्हीं डॉक्टर फ्रांसिस से मिलने मैं यूएस गया हुआ था। उधर बीबीसी न्यूज से मुझे पता चला डॉक्टर फ्रांसिस तो मुंबई गए, इसलिए मैं सीधा उनसे मिलने मुंबई पहुंचा। तुमने उनकी कार में बॉम्ब फिट किया था यह खबर मुझे मिली उस कार के ब्लास्ट होने से पहले। हमारे आदमी ने कार पर अटैक कर दिया। कार के ड्राइवर और सचिव को शूट कर दिया और डॉक्टर फ्रांसिस को मेरे हवाले कर दिया। जो टाइम आपने बम में फिट किया था उस टाइम को हमारे आदमियों ने बदल दिया और वापस कार में रख दिया। डॉक्टर फ्रांसिस की जगह पर हमने एक लाश को बिठा दिया था। पता चला तुम लोगों को? ए डॉक्टर लीव मी, लीव मी प्लीज, लीव मी, आई वांट टू गो माय कंट्री। डॉक्टर मरना नहीं चाहिए, अगर ये मरा तो ही तुम चीफ मिनिस्टर बनोगे, लेकिन मैं सेंट्रल होम मिनिस्टर पदवी से नहीं 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 नीचे गिर जाऊंगा। पर साहब जी
मेरी इस बीमारी को ठीक करने वाला डॉक्टर सिर्फ एक ही है। अगर इधर के डॉक्टर को मैंने दिखाया तो मेरी प्रॉब्लम के बारे में सबको पता चल जाएगा, तब मेरी पार्टी ही मुझे मेरी पदवी से उतार देगी। मैं अधिकार में रहते हुए मरना चाहता हूं, इसलिए मिनिस्टर बन के मरा तो देश के प्रधानमंत्री से मिलने प्रधानमंत्री से मिलने वाली वो गौरव मुझे मिलेगी। मेरा बेटा एसीपी यशवंत जो है वो जनता की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि आपकी सेवा करने के लिए है। उसकी मदद से इस डॉक्टर को आपके साथ भेजने की मैं व्यवस्था करूंगा। नो नो, ये आप गलत सोचते हैं। आपका बेटा आपके पक्ष में नहीं है, वैसे भी उसकी जात पुलिस की है, उसने सिर्फ नाटक किया है। तो उसने 5 गवाहों को मार डाला ऐसा तुम सोच रहे हो, लेकिन वो 5 गवाह अभी जिंदा हैं। क्या क्या ये आप क्या कह रहे हैं? यस रघुराम, अर्जुन के बेटे बबरू वाहन से तुम शतरंज का खेल खेलना चाहते थे। नेवर। 2 खादी वर्दियों के बीच मतभेद हो सकता है, लेकिन 2 खाकी वर्दियों के बीच मतभेद नहीं हो सकता। 1 पुलिस वाले के लिए दूसरा पुलिस वाला जान लड़ा देगा। दैट इज पुलिस पावर। इस खाकी वर्दी की बात मेरे सामने मत करो, चाहे मैं हूं चाहे रघुराम हो। इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए तुम्हारे जैसे हजारों पुलिस वाले पैदा भी करते हैं और खत्म भी करते हैं। मैं जो खेल रहा हूँ शतरंज के खेल में, सेंटिमेंटल फूल की तरह एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा जो तुम्हें छोड़ दिया। तुम जैसे कतारों का विनाश करने के लिए हम जैसे पुलिस ऑफिसर का सृजन तो भगवान ने किया है, तुमने नहीं। चिल्लाओ मत, मेरा किसी राज्य से वापस जाने से पहले एक बलि लेकर जाने का रिवाज है, समझ गए? सीएम साहब, इसकी जिंदगी ले लूं या इसकी जिंदगी छोड़ दूं? इस शतरंज के खेल में मैं ही जीतूंगा। नो सेंटिमेंट, शूट हिम। सिर्फ 5 साल के लिए कुर्सी पर बैठने के अधिकार के लालच में और कितने ईमानदार पुलिस अधिकारियों की बलि लोगे तुम लोग? क्या तुम अपनी शपथ भी भूल गए हो? हफ्ते में 7 दिन का हिसाब रखे तो 1 सोमवार के बाद फिर सोमवार आता है। 1 गुंडा मर भी गया तो 7 दिन के अंदर 1 और गुंडा पैदा होता है। साल के 12 महीने का हिसाब रखे तो हर हफ्ते 1 गुंडा पैदा करने के लिए हर महीने में हम जैसा राजनेता पैदा होता है। लेकिन ऊपर वाले ने दिन में 24 घंटे क्यों रखे हैं? पता है तुम्हें? तुम जैसे भ्रष्ट राजनेताओं और दुष्टों का दमन करने के लिए हर घंटे हमारे जैसा एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर इस देश में पैदा होता है। भारत देश के सच्चे राजनेताओं के नाम पर कलंक हो तुम। तुम जैसे को उस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं।
एक्सीलेंट जॉब, बोथ ऑफ यू आर ग्रेट, कम ऑन लेट्स गो। Yeah.